हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेवेंथ की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे होंगे, एक्सरसाइज सी जिसमें हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि कमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। आपके अगर ध्यान में बात होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान में है सारी बातें, अगर आपको याद नहीं है तो पहले पिछली वीडियो को देख कर आए, तब आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप अपनी बुक ओपन कर लेंगे, ये बुक मैथ की पेज नंबर 19 पर आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने बच्चों लास्ट क्लास में बहुत सारी बातें की थी। हम लोगों ने एक चीज़ सीखा था, एक चीज़ क्या सीखा था कि अगर आप किसी भी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेम टू सेम वही नंबर मिलता है। अगर आप -19 में 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको -19 मिलेगा। अगर आप -20 में 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, -20 मिलेगा। तो इसलिए आप कभी भी किसी भी नंबर में 1 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेम टू सेम नंबर फिर से आंसर के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो बच्चों, ये जो हमारा बोलते हैं इसको हम क्या बोलते थे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात समझ आ गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बात समझ आ गई। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें वापस में वही नंबर रिजल्ट के रूप में मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें हम -5 का मल्टीप्लाई करें तो हमको उत्तर में -5 ही मिल जाए, तो आप कहेंगे सर ऐसा नंबर केवल कौन है, 1 ही है। बस समझ आ गई। ऐसा पूछेगा कि -5 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमको फिर से रिजल्ट में -5 मिल जाए, कहेंगे तब 1 है। बस समझ आ गई। फिर बच्चों, हम लोगों ने एक और चीज़ के बारे में सीखा था। क्या सीखा था, एक और चीज़ के बारे में सीखा था कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है। बात समझ आ गई बच्चों, ऐसा हो क्यों रहा है। देखो, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 1 टाइम कर रहा हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, मतलब 5 को 1 टाइम ऐड करना। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा आपके अंदर क्लैरिटी आते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान देते हैं, हो सकता है कुछ और बात समझ में आ जाए। क्यों होता है 5 में मल्टीप्लाई करने का 0 में, तो 0 आंसर क्यों आता है किसी भी नंबर में। मैं कह दूँ कि अगर आप 20 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर के रूप में 0 मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, को थोड़ा साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा क्या? ठीक है, तो अगर आप 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलता है। अगर आप 9 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसा हो क्यों रहा है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है। तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है, अगर मैं लिख दूं बच्चे 2 into 3, इसका मतलब होता है बच्चों हमको 2 को 3 टाइम्स ऐड करना है। 2 को 3 टाइम्स ऐड कर, 2 into 3 का मतलब होगा 2 को 3 टाइम्स ऐड कर लो। बस समझ में आ गई, या फिर 3 को 2 टाइम्स ऐड कर लो, 3 को 2 टाइम्स ऐड कर लो, 1 टाइम 2 टाइम, और या तो 2 को 3 टाइम ऐड कर लो, 1 2 3 टाइम। तो बच्चों, आपका रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा, कितना आएगा, 6 आएगा। जो बहुत समझा रहा हूँ, बहुत डीप चीज़ है, समझना। अगर मैं लिख दूँ 2 into 2, इसका मतलब हुआ कि आपको 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, और या फिर इसका एक और मतलब होगा कि आपको 2 को 2 टाइम्स ऐड करना है। 2 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे मतलब 2 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। बात समझ आ गई। अब बच्चों, 2 into 1 का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा अगर आपको 2 को 1 टाइम ऐड करना है, यानी कि ओनली 2, तो ओनली 2 को जब ऐड करेंगे तो बच्चों 2 ही आएगा। बात समझ आ गई। अब बच्चों, मैं एक एक डिक्रीज कर रहा हूँ, तो अब की बार मैंने कहा कि 2 को 0 टाइम ऐड करना है, 2 को 0 टाइम ऐड करना है, तो यानी कि अब की बार आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बच्चों, 2 into 3 का मतलब 2 को 3 टाइम ऐड करो, 2 into 2 का मतलब 2 को 2 टाइम ऐड करो, 2 into 1 का मतलब 2 को 1 टाइम ऐड करो, और 2 into 0 मतलब 2 को 0 टाइम ऐड करो। मतलब कि एक को बार लिखना ही नहीं है, तो एक को बार लिखना ही नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझे, ये रीज़न होता है किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आने का।
वन मोर एग्जांपल, ठीक है, वन मोर एग्जांपल बच्चों, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, बेसिक्स आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 × 6, इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 को 6 टाइम ऐड कर रहे हो, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, कितना टाइम हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐड करोगे तो बच्चों को मिलेगा 30, ठीक है। अगर मैं कहूँ 5 को 3 टाइम ऐड करो, तो कहोगे सर 5 को 3 टाइम ऐड करने का मतलब, 5 × 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम ऐड कर दो, तो लिखोगे 5 + 5 + 5, कितना हो गया, 5 × 5 = 5, कितना हो गया, 15 हो गया। यानी कि आपने 5 को 3 टाइम ऐड किया, आपको 15 मिल गया। मैंने कहा 5 को बच्चों 1 टाइम ऐड करो, तो आपको केवल 5 ही मिलेगा। अब 5 को 1 टाइम ऐड करोगे तो आपको आंसर में 5 मिलेगा। अब मैं कह रहा हूँ 5 को अगर आपको 0 टाइम ऐड करना है, तब आपका आंसर क्या आएगा। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 5 को 1 टाइम ऐड करो तो 5 आ रहा है। अब 5 को 0 टाइम ऐड करने का मतलब आपको लिखना ही नहीं है। अगर नथिंग का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। ये रीज़न है कि किसी भी नंबर का आप 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 0 ही मिलता है वापस में, उत्तर के रूप में। तो बच्चों ये समझ आपको डेवलप करना है, एक एक चीज़ को रटना नहीं है, समझ के चलेंगे हर चीज़ को, ठीक है। तो बच्चा जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, बहुत ध्यान से पढ़ते जाइए, बहुत सारी नॉलेज आपको देकर जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा पीछे का भी देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में और क्या पढ़ लिया था। तो बच्चों मैंने बताया कि अगर किसी भी नंबर में आप 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर आंसर के रूप में वही नंबर मिलेगा, और आप किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ 2 × 5, तो अगर इनका मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसका साइन और इसका साइन, दोनों का साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका साइन क्या है बच्चों, जब कुछ भी नहीं लिखा है तो प्लस मान लेंगे, जब कुछ भी नहीं लिखा है तो प्लस मान लेंगे, ठीक है। अब प्लस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 5 में करना है, इसका मतलब हो गया बच्चों कि पहले आपको, इसका मतलब हो गया बच्चों कि पहले आपको इनके साइंस का मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, इनके साइंस का मल्टीप्लाई होगा। इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, और आपको पता होना चाहिए कि प्लस इनटू प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में किया तो आपको प्लस मिलेगा। और 2 × 5 जा कितना हो जाता है बच्चों, 10 होता है। और जो बच्चों अगर किसी नंबर के पहले प्लस आता तो उसको हम लिखने की जरूरत नहीं समझते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देख लो इस पर। मान लो मैंने कहा कि +3 × 9, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि हमको +3 का मल्टीप्लाई +9 में करना है। तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस, और 9 × 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 27, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आप इस बात को याद रखेंगे कि प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस में करेंगे तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है, ठीक है। तो बच्चों इसे नोट नहीं करना है, आपने इसे समझ रखा है, मैं आपको केवल रिवीजन करा रहा हूँ, आपको याद आ जाए, ठीक है। आ जाओ, आपके पास लिख दिया -3 × -7। अब बच्चों आपको -3 का मल्टीप्लाई -7 में करना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, माइनस का पहले माइनस में मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा किसी भी अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पहले उनके साइंस का मल्टीप्लाई करेंगे, उनके साइंस का मल्टीप्लाई करेंगे। साइंस का जब बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखना, माइनस का मल्टीप्लाई अगर आप माइनस में कर रहे हैं तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। बस समझ आ गई। तो -7 − 3 प्लस आएगा, और 3 × 7 जा कितना आ जाएगा बच्चों, 21, और हमें यहाँ पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस समझ आ गई। वन मोर एग्जांपल, मैंने कहा -4 का मल्टीप्लाई आप कर दो -14 में, ठीक है। तो आपने कहा कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस, और 14 × 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 56, और आपको प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर माइनस होता तो लिखना पड़ता। तो बच्चों ये चीज़ भी आपने सीख लिया,
ठीक है। अब लास्ट टाइप बचा था इसमें, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ केवल, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आ जाओ बच्चों, जैसे ऑफलाइन क्लास होती है तो क्लास रोज होती है, ठीक है, तो आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपका टाइम कुछ टाइम के बाद आपको क्लास मिलती है, ठीक है, तो रिवीजन कराना पड़ जाता है। अगर मान लो माइनस का 5 है इनटू लिख दिया जाए 7, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो हम प्लस मान लेंगे, तो आपको करना है कि माइनस 5 का मल्टीप्लाई प्लस के 7 में करना है। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे कि आपने 7, आपको माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करना सिखाया था कि नहीं सिखाया था, माइनस इनटू प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस, तो इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस और 7 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों 35, ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसमें यहाँ से माइनस को हटा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि प्लस होता तो हटा देते, माइनस होता तो लिखना पड़ जाएगा। वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं कह दिया माइनस 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई कर दो माइनस 7 में, तो आपने कहा कि सर माइनस 7 का मल्टीप्लाई हमें 6 में करना है, यानी कि प्लस 6 में करना है, कोई साइन नहीं था तो हमने प्लस मान लिया। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस और 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ आ गई, तो बच्चों ये सब चीज़ें आप सीख चुके हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि मैंने केवल इनका रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ, अब मैं आपसे बच्चों कह रहा हूँ कि अब आप अपने एक्सरसाइज पर आ जाइए, ठीक है। मैंने क्या मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि प्लस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई माइनस प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, ठीक है। तो बच्चों अब आप अपने क्वेश्चन में एक्सरसाइज नंबर सी पर आ जाएंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर सी पर आ जाएंगे, ठीक है। एक बात और जान लो बच्चों, एक बात और जान लो, जैसे मैं कह दूँ कि माइनस 2 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 6 इंटू माइनस, चलो अभी इतना लिख रहे हैं, तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 4 में, फिर माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस 6 में करना है। तो एक बात समझना, अच्छा बताओ इवन नंबर्स क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होते हैं इवन नंबर्स कहते हैं, और जो दो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो बच्चों मेरी बात समझना, माइनस कितनी बार आया है, अगर आपको थोड़ा जल्दी समझना हो, अगर ये बात आपको थोड़ा जल्दी समझना हो तो आप कैसे करेंगे इसको, आप कहेंगे सर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, अब इस प्लस का मल्टीप्लाई आप इस माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, यानी कि आंसर जो होगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, और 2 4 8 6 48 ये आंसर आएगा इसका। लेकिन बच्चों एक बात समझना, अगर मैं आपको बहुत सारे नंबर्स लिख के दे दूँ तो आपको पता लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा कि ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बात समझ आ गई। तो एक बात समझना, चलो हम एक लाइन में नहीं कर रहे होंगे, इसे हमको डिटेल में करना है तो हम डिटेल में ही सीखेंगे, शॉर्टकट मत सीखो, ठीक है। चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर सी पर आ जाओ, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता था लेकिन अभी आप बच्चे हैं, सीखना आपके लिए ठीक नहीं है, सीख जाएंगे लेकिन आप बेकार हो जाएंगे सीखने के बाद। लिखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए है -23 × -6। अब बताओ बच्चों आप ये क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, आप ये क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, मैंने प्लस लिख दिया। अब 23 × 6, अब आप इसको करेंगे 23 × 6, तो आप बच्चे कैसे भी कर सकते हैं, 6 3 18 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 6 2 12 130 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस 138 हो जाएगा इसका आंसर, बात समझ आ गया, और प्लस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बात समझ आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इसको आपने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है, क्या पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या उसको यूज कर सकते हैं क्या, चलो यूज करते हैं। तो अभी आपने 23 का मल्टीप्लाई 6 में ऐसे किया है, लेकिन आप इसको अगर थोड़ा चालाक होते तो आप कहते हैं सर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी यूज कर सकता हूँ, कैसे कर सकते हैं, 23 × 6 लिखा हुआ था तो आपने कहा सर हम 23 को ब्रेक कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से, कैसे 20 + 3 में इंटू 6 कर लेते हैं, सही बात है कि नहीं, सही बात है। अब आप इस 6 का मल्टीप्लाई 20 में भी करेंगे और आप इस 6 का मल्टीप्लाई 3 में भी करेंगे, बात समझ आ गई, और 6 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 120,
प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे मिलेगा आपको 18। कितना हो जाएगा बच्चों, 120 प्लस 18 कितना हो जाएगा 138। आप इसको ऐसे थोड़ा जल्दी से कर सकते हैं इस चीज़ को, बात समझ आ गई। तो बच्चों ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखना है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 130 आ गया। बीच बीच में से बच्चों मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, जहाँ पे आपको ज़रूरत मुझे लगेगी मैं आपको छोटी छोटी बातें भी सिखा रहा होऊंगा, ठीक है। तब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सारा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा नहीं, सारा क्वेश्चन मैं बताने बैठ गया तो आपका क्वेश्चन हो चुका, ठीक है। अब मैं इसमें बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर बी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी -112 × 14 का मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर बी आप खुद करेंगे। -65 × -2 × -4 बच्चों ये हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बच्चों आप कुछ भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट आए उसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो रिजल्ट आए उसको मल्टीप्लाई कर, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। मेरे हिसाब से मैंने ये सोचा कि पहले मैं इन दोनों छोटे नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बाकी जो आएगा मैं उसका मल्टीप्लाई 65 में कर दूंगा। मेरे दिमाग से यही सही है तो हम यही कर लेते हैं। चलो मैंने कहा मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ अभी, मैंने कहा ये -65 को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ इनटू। अच्छा बताओ माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, और 4 × 2 जा कितना होता है 8 होता है, ये हो गया। अब बताओ बच्चों 8 का मल्टीप्लाई हमको अब ये प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अगर हमको मल्टीप्लाई करना तो हम लिख लेते हैं चलो समझने के लिए। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा। तो आपने कहा 65 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 65 में बच्चों 8 का अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं वन लाइन में, या फिर अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज करना है तो आप लिखिए 60 + 5 × 8, ऐसे भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर जी 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर लो, 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर लो, 8 × 6 जा कितना जाएगा बच्चों 480 माइनस प्लस 58 जा 40 कितना हो जाएगा बच्चों 520 हो जाएगा, ठीक है 520 जाएगा। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, -520 आएगा। बात समझ आ गई, ऐसे क्वेश्चन को हमें फिनिश करना है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर डी देख लो। जो बच्चे टफ टफ क्वेश्चन है मैं वही करा रहा हूँ। 32 × 32 × -8 − 9 × -9 × 6 − 9 × 6। चलो आ जाओ, मैंने कहा अब आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए खुली छूट है, जैसे आप चाहो वैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। मैं सोच रहा हूँ कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये दोनों माइनस में है, तो क्यों ना मैं पहले इन दोनों को फिनिश कर देता हूँ, फिर उसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लूँगा। आपने कहा ठीक है सर ऐसे ही कर लेते हैं। तो आपने कहा सर ये 32 लिखा हुआ है इनटू माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई बच्चों प्लस हो जाएगा। अब प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान ऑलरेडी है। तो 8 × 9 = 72 × 6। अब बच्चों माइनस का टेंशन खत्म हो गया, अब माइनस कहीं पर नहीं है, तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है।
यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा, ये कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब बच्चों आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आप 32 का मल्टीप्लाई पहले 6 में कर लो, फिर बाकी जो बचे उसका 72 में मल्टीप्लाई कर लो। तो चलो कर लेते हैं, 32 का मल्टीप्लाई हम 6 में करते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 32 इंटू 6 कितना आएगा मल्टीप्लाई, 6 2 12 और 6 3 192, यही तो आएगा, यही आएगा 192। अब आप कहेंगे सर इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे हमको 192 मिल रहा है, और 192 का मल्टीप्लाई हमको करना है बच्चों 72 में। तो बच्चों आप इसे कैसे कर पाएंगे, आप इसे अब आराम से ऊपर नीचे लग के इनको गुणा कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ऐसे कर लेना ना 192 इंटू 72, अब ऐसे आराम से प्यार से मल्टीप्लाई करते रहो और इसका आंसर आप खुद लिखेंगे, आप खुद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको सब कुछ सिखाया जा चुका होगा बच्चे, अब बच्चे नहीं हैं इसका। अब ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आंसर मल्टीप्लाई खुद करें, मैं लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाई करें, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ इसको, मल्टीप्लाई करें खुद करो। ठीक है, चलो आप इन्हें नोट कर लो। अब तुम भी ऐसे मत लिख लेना कि मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, मैंने लिख दिया कि मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख लेना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई पर, क्वेश्चन नंबर ई पर। बच्चों आप जब खुद भी क्वेश्चन करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कुछ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर जी पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर जी। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जी पर आ जाओ, लिखा हुआ है -11 इंटू -22 इंटू -3 इंटू -4, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो मेरे लाल देखो, अब आप पहले इसका इसका मल्टीप्लाई कर लो या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, जो आपको समझ में आए वो कर लो। तो मुझे दिख रहा है कि ये -3 है -4, बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई हम आराम से कर सकते हैं, हम लिख लेते हैं। तो -11 इंटू -22 इंटू, बताओ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा और 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं, हमने छोड़ दिया इसको। अब आ जाओ बच्चों, अब मैं कह रहा हूँ कि आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, जिसमें मन करे उसमें मल्टीप्लाई कर लो। चलो मैं पहले इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो अब बच्चों ये हो जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का हो गया प्लस हो जाएगा, और बच्चों जो आंसर आएगा इसका ये 2 आएगा, 4 आएगा और ये 2 आएगा। बताओ बच्चों मैंने इतने जल्दी से कैसे लिख दिया, इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, ठीक है इंटू 12। अब इसका आंसर कैसे आएगा, 12 2 जा 24 आएगा, 12 4 जा 48 48 2 55 आएगा कैरी, 12 2 जा 24 24 और 5 आ जाएगा 29। अब प्लस का साइन है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब आप सोच रहे हो इससे सर ने इतना जल्दी इसका मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, आप यही सोच रहे होंगे ना इस सर ने इसका मल्टीप्लाई इतने जल्दी से कैसे कर दिया, बताऊंगा। पहले आप इसे नोट कर लो, जब आप मैंने कैसे इतना जल्दी से मल्टीप्लाई कर दिया बताऊंगा तब, जब आप कमेंट करेंगे तब। ऐसे फ्री में सब कुछ दूंगा तो आप नहीं मानेंगे, जब आप खुद कहेंगे कि हाँ सर बताइए तब बताऊंगा। आप कॉल करके कहिए कि हाँ सर मल्टीप्लाई कैसे अपने जल्दी से किया तब बताऊंगा मैं। इसे नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो मैंने सारा सॉल्व करा दिया, ए बी सी डी मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, बाकी सारे क्वेश्चन सीजिए आप खुद ही करेंगे इन्हें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। ठीक है,
चलो तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे हम, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। देखो क्वेश्चन नंबर ए है, अब आपको दिमाग का यूज करना है, -17 इंटू, अब यहाँ पर आपको कुछ फिल करना है, इस बॉक्स में आपको कुछ फिल करना है, इक्वल टू माइनस सेवेंटीन आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि आपको 17 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि आपको -17 ही मिल जाए। तो मतलब कि जिस नंबर में आप मल्टीप्लाई करो आपको वही नंबर आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब आपने इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा। अभी मैंने बताया कि ऐसा नंबर केवल 1 है, अगर आप 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको वही नंबर फिर से रिवर्स में मिल रही है। बात समझ में आई बच्चों? तो इसमें कोई भी बहुत तबाही वाली बात नहीं थी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी देखना जरा। क्वेश्चन नंबर बी है -195 इंटू समथिंग, कुछ किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि हमको जीरो मिल जाए, बताना लल्ला जरा। तो मैंने आपको बताया था अभी कि अगर किसी भी नंबर में हम जीरो का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आपको वहाँ पर फिल करना होगा। बात समझ आ गई बच्चों? बहुत ईजी है बच्चों, आपके आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बस। अब क्वेश्चन नंबर हम सी पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम सी पर आते हैं, ठीक है। लिखा हुआ 3 इंटू समथिंग इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, -27 आ रहा है। ओके बताओ बच्चों, मैं पहली बात तो आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है, इसमें प्लस है। माइनस लाने के लिए यहाँ पे जो भी नंबर रखना होगा आपको प्लस रखना होगा, नहीं रखना होगा, जो भी नंबर होगा सॉरी यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे माइनस आएगा, नहीं तो माइनस नहीं आएगा। तो आपको ये बात समझा कि जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो माइनस में तो जरूर आएगा। अब 3 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाए, 3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाए, तो कहेंगे सर 9 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 9 27 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ये हमारा आंसर सेटिस्फाई हो गया। तो बच्चों आपको अपने दिमाग का यूज करना है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है ताकि आप दिमाग का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। आप ये नोट करो, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसी बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर डी देखना जरा, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है कि किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है किसमें, इंटू -6 में मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट आना चाहिए 48। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर कोई नहीं कुछ नहीं लगा, यानी कि यहाँ पर प्लस आया होगा, प्लस आया तभी कुछ लिखा नहीं गया है, सही बात है। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस है, अगर आपने यहाँ का नंबर प्लस में रखा तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आना चाहिए था, तो यानी कि यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जो भी नंबर आएगा वो माइनस में आएगा, तभी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो पाएगा, प्लस हो पाएगा। अरे बात समझे, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर जो प्लस वाला नंबर रख दूंगा तो प्लस वाला नंबर रखूंगा तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमको लाना क्या है, प्लस लाना है, इसलिए हमको यहाँ पर माइनस रखना होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ जो हम 6 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमको 48 मिल जाए, 6 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 48 मिल जाए, तो कहेंगे सर 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो -8 का मल्टीप्लाई करेंगे -6 में तो आपको मिलेगा 48। बस समझ आ गई, ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन। तो इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें नोट कर लो। चलो अब मैंने डिलीट कर देता हूँ,
अब क्वेश्चन नंबर एक दो क्वेश्चन और आगे का कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना रहे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर ई को देखना जरा, अच्छा क्वेश्चन है। 95 into minus 2 इक्वल टू into 95। मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर का मल्टीप्लाई, ये इक्वल का साइन है कि मतलब कि जो नंबर इधर रहेगा वही नंबर इधर भी तो आना चाहिए, सही बात है। जो नंबर इधर रहेगा वही नंबर इधर आएगा, तभी तो इक्वल का साइन लगा पाएंगे। आपने कहा हाँ, तो बच्चों आपको यहाँ दिख रहा है 95 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, माइनस टू में हो रहा है। 95 का मल्टीप्लाई माइनस टू में हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 95 का मल्टीप्लाई माइनस में टू कर रहा है। अब यहाँ पर 95 का मल्टीप्लाई कितने से करें कि दोनों टर्म जो है बराबर हो जाए, दोनों साइड्स बराबर हो जाए, तो बच्चों यहाँ पर भी आपको माइनस टू ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और कोई नंबर आप नहीं रख पाएंगे। अगर 95 इधर भी है, 95 इधर भी है, तो दोनों तरफ सेम सेम नंबर होना चाहिए, तभी ये इक्वल का साइन वैलिड होगा। बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर एफ देखना, लिखा हुआ है माइनस हंड्रेड इंटू माइनस थ्री। इज इक्वल टू माइनस एट इंटू बॉक्स बना हुआ बच्चों इंटू माइनस थ्री, यही नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताया हुआ था, कि अगर आप टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करके एक थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले आपने माइनस हंड्रेड का मल्टीप्लाई माइनस में थ्री में किया, और जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई आप माइनस एट में कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट माइनस एट को किसी नंबर से करने पर माइनस थ्री आ रहा है। तो अगर दोनों बच्चों साइड्स इक्वल आ रहे हैं तो हमारे दोनों तरफ नंबर भी इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर माइनस थ्री था, यहाँ पर माइनस थ्री आ चुका है मल्टीप्लाई में, माइनस एट था, माइनस एट आ चुका है, आया क्या नहीं है, माइनस हंड्रेड नहीं आया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस हंड्रेड का मल्टीप्लाई करने पर। बात समझ आ गई। तो बच्चों इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर जी बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। आप चेक करेंगे कि क्या क्या नंबर आ चुके हैं, क्या नंबर नहीं आए हुए हैं, सब कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर एच बता देता हूँ, चलो देख लो इसको, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर एच देखना, -5 into -3 into किसी नंबर में मल्टीप्लाई करके हमें नंबर क्या लाना है, नंबर लाना है बच्चों 150। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बताना जरा। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बच्चों आएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, और 5 3 15 होगा, प्लस 15 इंटू समथिंग करने पे आपका 150 आना चाहिए। बस अब तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हमारा जो नंबर है कि बच्चों आपका नंबर यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे रिजल्ट में भी प्लस है, तो प्लस कब आ सकता है, जब प्लस का मल्टीप्लाई आप प्लस में करेंगे तभी तो प्लस आएगा। तो आपको यहाँ भी प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि नंबर जो अभी आएगा प्लस में ही आएगा। तो 50 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 150 मिल जाए, तो आप कहेंगे सर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया बस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर लेंगे, 10 फिल कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने बढ़ाकर बताया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन ही जी हैं, आप
अगर एक बार उन्हें करना सीख गए तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने लगेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए फिलहाल पहले। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और आपको बहुत धीरे धीरे हम लेकर चल रहे हैं ताकि आपको एक एक बात क्लैरिटी से समझ में आए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बहुत ही हजल होता है, ठीक है, बहुत ही चीज़ें जंबल हो जाती हैं, ठीक है। तो हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि हम चीज़ों को बहुत धीरे 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 लेकर चलें ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों, आप अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, और कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, गुड बाय।